अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, कैसी हैं? डियर फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बस मेरी कुछ दिनों से ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो है ना अच्छी वीडियो ज़रा फ़ायदे वाली बनाऊँ जिसका आपको ही फ़ायदा हो। और मेरे दिल में ऐसे ही आया कि आजकल जो है ये जापानी फ्रूट का जो है वो बहुत मौसम आया हुआ है और बहुत वाफिर मिकदार में जो है ठेलों पे और रेहड़ियों में ये बिक रहा है और बहुत अच्छी कीमत में ये मिल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त जो है वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि क्या कहते हैं, जैसे ही मैं खाना खाती हूँ तो मैं फ़ौरन से पहले जो है वो वॉशरूम जाती हूँ और मुझे अजाबत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे थोड़ी बहुत मालूमात है इसके बारे में, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना, आपकी आंतें थोड़ी कमज़ोर हैं, आप ना जापानी फल का इस्तेमाल करें। तो आप यकीन करें कि उन्होंने जापानी फल जब खाया तो उससे वो आप उनका रंग भी साफ़ हो गया, उनका पेट भी बेहतर हो गया और वो सुर्ख सफ़ेद हो गई और आके मेरा इतना उन्होंने जजाकल्ला कहा, शुक्रिया कहा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ जो है वो मैंने उनको बताई और उनको इससे फ़ायदा हुआ। तो ये जो असल में फ्रूट है ये बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बच्चों को बड़ों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो ये जो फ्रूट आया था ना, जहांगीर के दौर में आया था, इसको पर्सिमन फ्रूट भी कहते हैं और ये इतनी अच्छी चीज़ है। ये तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी दें, ख़ुद भी खाएं, इसके इंतहाई फ़ायदे हैं। और ये जिस्म में पट्टे जो हैं और दर्द हो, कुछ भी हो, और जापानी फल खाने से आपके पट्टे भी मज़बूत होते हैं और जिस्म में दर्द वगैरह भी कम होता है, तो बहुत बेहतर होता है। तो इससे बड़ा फ़ायदा है और जितना हो सके इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में करें। इससे ना आपके पट्टों में मजबूती आती है, जिस्म में, हड्डियों में, और ताकत बढ़ती है इससे। इससे बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है और ये इतना कीमती फल है मैं आपको बता नहीं सकती। ये है, ऐसे लगता है जैसे टमाटर है, ये टोमेटो की शक्ल लगता है लेकिन इसमें भरपूर गजाइत है, भरपूर हर तरह की। इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है और ये आँखों के लिए और हमारे मतलब बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ाएं और जब तक सीज़न है तब तक इसको इस्तेमाल करते रहें अपनी खुराक में। हर चीज़ के लिए जो है ना वो दरमियाना ही अच्छा रहता है कि आप म्याना रवि से खाएं, लेकिन इसको ज़रूर हर रोज़ इस्तेमाल में रखें। बहुत ज़्यादा नहीं खाएं लेकिन एक आध रोज़ाना अपनी खुराक में इसको रखें। CAC हमें डॉक्टर्स देते हैं कि वो उसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो सारी विटामिन सी जो है ना वो इसमें मौजूद है। CAC 1000 मैं भी पीती हूँ लेकिन जब ये आ जाता है ना तो फिर मैं इसका इस्तेमाल बढ़ा देती हूँ। और इससे जो है आपका दिमाग भी बड़ा तेज़ होता है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ये जापानी फल मैंने आपको कहा, इसको प्रिसमन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो जितनी भी इस वक्त प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपका पेट भी अच्छा साफ़ होता है और ये आपके खाने को हज़म भी करता है। ये इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आज इसकी वीडियो आपके साथ बनाऊं। दिमाग को तेज़ करता है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है और उनको भी दें, पेट के कीड़े साफ़ करता है ये। और आपकी नज़र इसमें इंतहा से ज़्यादा कैलोरीज हैं, 600 से भी ऊपर इसमें कैलोरीज हैं, जो कि एक बेहतरीन कैलोरीज हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। और ये आपके रंग को गोरा करता है, खून साफ़ करता है
और पिंपल जो देखें, सबसे पहले जो है ना वो चेहरा देखा जाता है, तो आपके सबसे पहले आपके चेहरे के ऊपर, हर कोई चेहरे पे नज़र डालता है सबसे पहले, तो ये इसका इस्तेमाल जो है ना आप ज़रूर करें जब भी इसका मौसम हो। मौसम में जब ये आता है तो इसका लाजमी, ये नहीं मैं कह रही कि हर वक्त, ये गर्मियों में भी ऐसा नहीं है, जब इसका सीज़न आता है उस सीज़न में इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे मैं ये लेने गई तो मैंने जाके फल वाले से कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा नरम चाहिए, तो वो हैरान हो गया, वो कह रहा है बाजी लोग तो आके कहते हैं हमें थोड़ा सख्त चाहिए, तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे नरम और थोड़ा गला हुआ चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, सख्त से ज़्यादा वो नरम वाला ज़्यादा अच्छा होता है। और बच्चे आराम से इसको खा लेते हैं, और कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह वॉश करके बाहर से भी, जाहिर है बाहर से वॉश होता है, तो इसको अच्छी तरह वॉश करके और छिलके के साथ खाएं। छिलके के साथ खाने से जो है ना और मज़ीद बेहतर आपकी आंतों की सफाई होती है, आपको कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन है, वो तो बिल्कुल रहती नहीं है इसके साथ। तो इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, बहुत बेहतर है। और मैंने कहा है ना इसमें विटामिन सी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, जो कि ख़वातीन के लिए बेहतरीन है। और हम लोग वो विटामिन सी की गोलियां लेते हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो और हमारा खून जो है वो साफ़ रहे, ब्लड की जाहिर सफाई के लिए विटामिन सी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घरों में इसका इस्तेमाल करें। और आदमियों के लिए भी बहुत अच्छा है, जाहिर है उनको भी तो ज़रूरत है ना विटामिन सी की, कैल्शियम की, दिमाग की, तेज़ी की, नज़र की, तो अपने घर के बेटों को, आदमियों को, उन सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये खिलाएं। तो मैं तो खैर बहुत इस्तेमाल में लाती हूँ, जब ये सीज़न आता है तो मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करती हूँ, और आप भी करें और मुझे बताएं कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है मैं वो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले और वो इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें अपने घरों के लिए, दूसरों को भी आप बताएँ, तो इसका भी एक अजर है, एक नेकी है अच्छी चीज़ बताना। मालूम तो खैर सबको ही है फलों के बारे में, लेकिन यह है कि अफादियत ज़रा बढ़ जाती है जब आप किसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपको चीज़ पता चलती है, तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप दवाइयों की जगह पे इसका इस्तेमाल बढ़ाएं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो CAC जो हम पानी में डाल के खवातीन पीती हैं, तो वो डॉक्टर्स हमें बताती हैं, वो अपनी जगह है, अगर डॉक्टर्स ने बताया तो वो भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियो को देखें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।